अंतरिक्ष सूट में बंदर। आकाश के अनगिनत तारों में हमारी धरती की तरह ऐसी बहुत सी धरतियां हैं, जिनकी सभ्यता शायद हमसे अधिक बढ़ी चढ़ी हुई है। एक जगह तो नन्हे मुन्ने बच्चे तक अंतरिक्ष की सैर किया करते हैं। उन्होंने ऐसे अंतरिक्ष सूट बना लिए हैं जिसमें छोटी किंतु बड़ी ही शक्तिशाली मशीनें लगी हुई हैं। नन्हे नन्हे ट्रांजिस्टरों जैसे रॉकेट लगे हुए हैं। बच्चे उसे पहनकर मशीनें चलाते हुए आकाश में लाखों मील की सैर बड़ी आसानी से कर लिया करते हैं। उन्हीं में एक लड़की थी, उसकी आयु 8-9 साल से अधिक न थी, पर वह बड़ी तेज और साहसी थी। अपने स्कूल की अंतरिक्ष दौड़ों में वह कई बार फर्स्ट आ चुकी थी और छुट्टियों में अक्सर वह इतनी इतनी दूर उड़ा कर दी थी जितनी दूर तक उस दुनिया के बड़े बड़े उड़ाकू भी नहीं गए होते थे। एक दिन अपना अंतरिक्ष सूट पहनकर वह लड़की उड़ी और खेल के जोश में अपनी उड़ान की गति तेज करते करते आकाश में ऐसी जगह पहुंच गई जहां लाखों मील तक घना अंधकार छाया था। बस अंधेरा ही अंधेरा, घटा टोप अंधेरा। अंधेरे के कारण वह लड़की घबरा तो अवश्य गई, पर उसने हिम्मत न हारी। अपने सूट में लगी नन्ही शक्तिशाली मशीनों की सहायता से पूरी स्पीड में, यानी एक सेकंड में 5,000 किलोमीटर की उड़ान भरते हुए 2 घंटे में आखिरकार उसने वह अंधकार पार कर ही लिया। संयोग से वह हमारी पृथ्वी पर आ गई और कश्मीर में अमरनाथ के पास एक झील के किनारे उतरी। वह लड़की बेहद थक गई थी और नई दुनिया में आने के कारण कुछ घबराई हुई भी थी। फिर भी आसपास का दृश्य देखकर वह बड़ी खुश हुई। सुंदर झील देखकर उसकी नहाने की इच्छा हुई। एक चट्टान की आड़ में अपना अंतरिक्ष सूट रखकर वह झील में नहाने लगी। उसकी दुनिया में जलवायु तो लगभग हमारी दुनिया जैसी ही थी, पर वहाँ का पानी यहाँ जैसा निर्मल और शीतल नहीं होता। हवा में भी ऐसी बहार नहीं। इतने चटक रंग के सुंदर सुगंधित फूल भी उसने पहली बार ही देखे थे। नहा धोकर वह एकदम ताजी हो गई और उसे भूख लग आई। भोजन की तलाश में वह आसपास भटकने लगी। उसने अंतरिक्ष सूट अपने कंधे पर रख लिया था। झील के पास ही पेड़ों के झुरमुट में एक बूढ़े साधु रहते थे। उनके पास बंदर बंदरिया का एक पालतू जोड़ा भी था। बूढ़े बाबा ने अपनी कुटी के सामने एक बड़ी सुंदर और प्यारी प्यारी लड़की को भटकते देखा तो उठकर आए और पूछने लगे, बेटी कहाँ से आई हो? वह लड़की उनकी बोली तो न समझी, पर बात अवश्य समझ गई। आकाश की ओर संकेत करके उसने कहा कि परलोक से आई हूँ और भूखी हूँ। बूढ़े बाबा भी उसके आकाश की ओर वाले इशारे को तो न समझे, पर भूख की बात समझ गए। तुरंत कुटी में से मीठे फल ले आए। लड़की खुशी से फल खाने लगी। बूढ़े बाबा ने उसके लिए तुरंत अपनी गाय दुही और दूध ले आए। लड़की को स्वाद सुख मिला। बोली न समझने पर भी उनमें इशारों से खूब हंसाइयां हुई। बाबा ने बंदर बंदरिया के खेल दिखलाकर उसको खूब हंसाया। लड़की अब अपनी दुनिया, अपने घर जाने के लिए अंतरिक्ष सूट पहनने लगी। यह अजब पोशाक देखकर बाबा को बड़ी हैरानी हुई। उनसे भी अधिक बंदरों को हैरानी हुई। उन्हें शायद यह अचरज लगा होगा कि यह जो अभी प्यारी प्यारी लड़की जैसी लग रही थी, एकाएक बेदुमकी विचित्र बंदरिया कैसे बन गई। और फिर उस बंदरिया ने एकाएक अपने सूट में टके हुए एक नन्हे से चक्के को घुमाया और सर से ऊपर उठ गई। बाबा जी को अब लड़की के उस संकेत का सही अनुमान लगा जो उसने अपने घर का पता बतलाने के लिए आकाश की ओर हाथ उठाकर किया था। खैर, लड़की 5-6 घंटे की उड़ान के बाद वापस अपनी दुनिया में पहुंच गई। फिर तो उसे ऐसा चस्का लग गया था कि हर छुट्टी के दिन वह बाबा जी के पास उड़ आती और मजे से झील में तैरती, नहाती, मीठे फल खाती और बंदर बंदरिया के तमाशे देखकर बाबा जी के साथ खूब हंसा करती। आते जाते वह थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख गई थी। बंदर उस लड़की को अपना अंतरिक्ष सूट उतारते
पहनते और नन्हा चक्का घुमाकर उड़ते हुए बराबर गौर से देखा करता था। एक दिन जब लड़की नहा रही थी और बाबा जी फल तोड़ने गए थे, बंदर ने वह अंतरिक्ष सूट पहन लिया और चक्के को घुमाते ही आसमान में उड़ने लगा। लड़की ने नहाते हुए जब यह देखा तो वह बड़ी घबराई। बाबा जी ने भी देखा और परेशान होकर दौड़ते हुए आए। बंदर आसमान में उड़ उड़ कर परेशान हो रहा था और दूसरे पंछियों को भी अपनी उल्टी सीधी उड़ानों से परेशान कर रहा था। कभी चक्का घुमाते ही सर से ऊपर जाता, फिर नीचे आता, कभी घबराहट में दूसरा चक्का घुमाता और उलट जाता। वह भी घबरा रहा था और घबराहट में दोनों चक्के घुमाकर वह और भी परेशान हो रहा था। कभी सर से ऊपर, कभी सर से नीचे, कभी खट से सीधा, कभी पट से उल्टा। लड़की को यह घबराहट हो रही थी कि अगर उसकी मशीनें बिगड़ गईं तो वह अपने घर कैसे पहुंचेगी। वह रोने लगी। बाबा जी ने उसे दिलासा दिया और बंदर को नीचे लाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने बंदरिया के गले में रस्सी का फंदा डालकर पेड़ की ऊंची डाल से बांध दिया और उसे सड़ासड़ संटियां मारने लगे। बंदरिया जोर जोर से ची 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 चिल्लाने लगी। बंदर उसकी आवाज सुनकर घबरा गया और उल्टे सीधे चक्के घुमाकर नीचे आने के जतन करने लगा। राम राम करके वह पकड़ाई में आया। लड़की को अपना सूट मिला। मशीनों के कलपुर्जे सौभाग्य से ठीक थे। बाबा जी ने उसके सूट में टंगे झोले में फल रख दिए। वह उड़ गई। उस दिन बंदर लीला के कारण उसे घर पहुंचने में काफी देर हो गई। जब उसके माँ बाप ने पूछा तब उसने सच सच बतला दिया और अपने घर वालों को हमारी दुनिया के फल खिलाए। वे सब बड़े प्रसन्न हुए। अगली छुट्टी पड़ने पर वे अपनी बेटी के साथ बाबा जी से मिलने आए, अपने यहाँ के मेवे खिलाए, पर हमारे फल उनके मेवों से अधिक स्वादिष्ट थे। चलते समय लड़की के माता पिता ने बाबा जी से कहा कि हमारी दुनिया की सैर करने चलिए। वह उनके लिए एक अंतरिक्ष सूट भी अपने साथ लाए थे, परंतु बाबा जी ने लड़की के द्वारा उसके पिता से कहा कि जब उनके भारत देश के बच्चे बड़े होकर ऐसा ही सूट ईजाद कर लेंगे तभी वह जाएंगे। बच्चों, बाबा जी के लिए ऐसा सूट बना दो।